अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शोबिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स रेंज बाउंड, और हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है 40,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव सम हाउ ट्रेड करते हुए दिखाई दी। ओवरऑल क्लोजर काफी हद तक फ्लैट नोट पे विटनेस किया गया। इन्वेस्टर्स की जानिब से कॉशियस स्टैंड या हम कहेंगे लैकलस्टर बिहेवियर वीक के स्टार्ट में या वीक के आगाज में देखा गया। ओवरऑल न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर नजर आ सकता था और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पर पीटीआई की लीड नजर आती है, सीमेंट प्राइसेस अप नजर आ रहे हैं, एफडीआई इंप्रूव हो रहा है। ये तमाम चीजें और भी चीजें थी जो इंपैक्ट मार्केट को दे सकती थी, लेकिन समहाउ मार्केट ने उसका इंपैक्ट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,569.35 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट की 40,790.39, लोअर वॉज 40,470.12 एंड फाइनली क्लोजर 40,504.75। हम देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मार्केट ने आज पूरे दिन ट्रेड किया है। 64.60 का डिक्लाइन आज के मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 181.44 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 61.62 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 6.17 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स भी दिखाएंगे। ओवरऑल हम देख रहे हैं आज के इलेक्ट्रिक के अंदर ज्यादा बाइंग देखी गई, 0.18 का इजाफा देखा गया। 3.75 पे क्लोजर, 24.90 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। मैपल लीफ सीमेंट सेकंड स्कॉट पे 0.33 का डिक्लाइन, 40.03 पे क्लोजर, 14.48 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली एसएनजीपी 0.05 का माइनर इजाफा, 47.19 पे क्लोजर, 14.06 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट के इलेक्ट्रिक, मैपल लीफ सीमेंट और एसएनजीपी, इन तीनों का न्यूज का इंपैक्ट है जो आज वॉल्यूम लीडर्स बनने पर मजबूर हुआ है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया है वो सर्दियों को देखते हुए, यानी कि विंटर सीजन का आगाज है और ये सीजन इंडिकेट करता है सबसे ज्यादा गैस शॉर्टफॉल को। तो आज का टॉपिक हमने इसी से लिंक करते हुए जो है वो एक कनेक्ट किया है नेचुरल गैसेस के हवाले से। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं और क्या इन्स क्या आउट्स हैं, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता चंद बरसों में सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकला है। आवाम को रोजमर्रा मामूलात समेत खाने बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हुकूमत अवामी तकलीफ को समझते हुए बारहा सिस्टम में गैस की मौजूदगी और मुल्क में गैस की तलब और रसद में मुतवक्के गैप की वजह से गैस की किल्लत के हकाइक से अवाम को आगाह करती आई है। दुनिया भर में जो तवानाई इस्तेमाल की जाती है उसका एक बड़ा हिस्सा कुदरती गैस से हासिल किया जाता है। जिस तरह जमीन में तेल और कोयले के ज़खायर महदूद हैं, इसी तरह गैस के ज़खायर भी महदूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कुदरती गैस का एक बड़ा ज़खीरा अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ, जिस हिसाब से बहुत से ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान में तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है और घरेलू और सनअती शोबे गैस की फराहमी का पहले से ज्यादा तकाजा कर रहे हैं। खदशा है कि कुदरती गैस के जखायर मोहतात अंदाजों से पहले भी कम पड़ सकते हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान मुल्क में तेल और गैस के जखायर की दरियाफ्तें हुई तो हैं, लेकिन इनसे मौसम सरमा की तलब को पूरा नहीं किया जा सकता। सियासी बुनियादों पर सीएनजी स्टेशन की इजाजत, सीएनजी किटों और सिलेंडर्स की दरामद पर पाबंदी के बावजूद ब्लैक मार्केट में इसकी खरीदो फरोख्त, मुल्क में नए बड़े जखायर की अदम दरियाफ्त, गैस के शोबे में सरमाया के बजाय एलएनजी को फौकियत, माजी में ऐसे वक्ती इकदामात की बजाय मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखा हुआ होता तो आज नताइज मुख्तलिफ होते। अब जबकि अवाम मुल्क में गैस की किल्लत से बाखबर है और मौसम सरमा भी आन पहुंचा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के शाना बशाना खड़े होकर गैस के इस्तेमाल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मुश्किल वक्त में हुकूमत का सहारा बने। रिपोर्ट आपने देखी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें ये दिखाए गए कि खासकर गैस को ज़ाया ना किया जाए। एक तो वो बात होती है कि शॉर्टफॉल है, नहीं मौजूद, एक ये होता है कि जब होती है तो एक्स्ट्रा और उसका एक्सेस इस्तेमाल हो रहा होता है, ये भी नुकसानदेह। तो एक जिम्मेदार शहरी के होने के नाते ये तमाम चीज़ों पर तो फोकस करना पड़ेगा। इन तमाम आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट? ठीक है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अगर आप देखें पिछले जो आए हैं फैंटास्टिक रिजल्ट्स बहुत सारे सेक्टर्स के, बट उसके बावजूद मार्केट में कुछ है जो थोड़ा सा उसको केयरफुल कर रही है। तो लग ये रहा है कि ऑब्वियसली कोविड केसेस जो वापस अगर आ रहे हैं दुनिया में भी एक सेकंड वेव है, ओवरऑल पूरे ग्लोबली दिखाई दे रहे हैं कोविड, तो अगर पाकिस्तान में भी हो रहा है तो ये एक न्यू थिंग तो नहीं है।
और अगर ये सेकेंड स्पाइक भी आती है तो ये भी मेक श्योर करना है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना है, प्रॉपर लॉकडाउन नहीं होगा। तो ये इस बात को तो सब लोग प्रिपेयर हैं, मेंटली प्रिपेयर सब हैं इसमें पहले से ही। आई थिंक गवर्नमेंट ने आके बीच में बोला भी है कि शायद इंडस्ट्रीज को बंद नहीं करेगी, लेकिन आई थिंक एक थोड़ा सा एक कॉशियस या यू कैन से एक फियर है कि ये ना हो कि खुदा खास्ता केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ें और मजबूरन आपको ये लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने लास्ट उसमें देखा है कि उसमें भी चलते ही रहे, लेकिन कुछ महीने ऐसे थे जिसमें फैक्ट्रीज अफेक्ट हुई। आई थिंक वो थोड़ा सा खच्चा है, अगर वो जो एसओपीज नहीं फॉलो कर रही थी वो अफेक्ट हुई थी। रिजल्ट कम टू द मार्केट ओवरऑल स्पेसिफिक आज के वॉल्यूम लीडर्स में हमें जो न्यूज नजर आई उसका इम्पैक्ट नजर आया। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ न्यूज के इम्पैक्ट की आज की मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा ये था कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी इम्पैक्ट दे रहा था मार्केट को, क्योंकि अगर वहां लीड नहीं होती पीटीआई की तो ये एक इम्पैक्ट होता, हर्टिंग सिचुएशन होती। तो अब क्या कहेंगे, सबसे पहले वन बाय वन न्यूज के हवाले से चलूंगे, कितना इम्पैक्ट आज पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसे मार्केट खुली थी आफ्टर द वीकेंड तो अच्छे नोट पे खुली थी, इट वाज अप रफली 200 पॉइंट्स सुबह में, 40,500 से 200 पॉइंट ऊपर गई थी। उसकी वजह यही थी कि उस वक्त तक यही आ रहा था कि मे बी जो इनकम्बेंट्स हैं या पीटीआई हैं वो लीड में है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली एक पॉलिटिक्स में एक थोड़ी सी नॉइज रही है पिछले कुछ महीने, तो आई थिंक इससे तो इन्वेस्टर को थोड़ा कॉन्फिडेंस ही मिला। बट ऑब्वियसली वो फिर जो इंक्रीज था सुबह में वो फिर बरकरार नहीं हो सकता, वॉल्यूम्स थिन थे। फिर ऑब्वियसली कोविड पे लोगों का बड़ी नज़रें थी कि आज मीटिंग्स होनी है पंजाब में सिंध में कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिए जाएंगे कोविड से कॉम्बैट करने के लिए, क्या मजीद टाइट करी जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, तो वो उस पर एक नज़र थी। तो लोग ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वेट एंड सी मोड में है कि देखते हैं क्या निकलता है, अगर उसमें कोई ऐसे लोग नहीं आते तो फिर खरीद लेंगे, लेकिन वो फिर आई थिंक उस कश्मकश में थोड़ी रही बाजार। वॉल्यूम लीडर्स फिर वही थे जैसे कराची इलेक्ट्रिक हो गया, मेपल लीफ और सुई नॉर्थ, जिसमें कुछ खबरें थी तो उसमें फिर आपको वॉल्यूम नजर आया, लेकिन ओवरऑल इन उनकी खबरें हटा दें तो फिर थोड़ा थोड़ा आपको लगा कि लोग मताती रहे। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में जो प्राइस इंक्रीज के बारे में पर बैग 5 रुपीज का हो रहा है तो वो कितना इम्पैक्ट दे रहा है, और अगर ये इम्पैक्ट होगा तो फिर तमाम जो पूरे सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो तमाम इसी फ्लो के साथ फ्लो करेंगी। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो प्राइसिंग है वो देखिए होमोजेनस प्रोडक्ट है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली अगर एक कंपनी को लगा है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप पिछले एक दो महीने देखें तो रिकॉर्ड हाई सीमेंट डिस्पैचेस हुए हैं, exactly, 73 years तो डिमांड तो ये तो देखें बेसिक इकोनॉमिक्स है, डिमांड होगी तो फिर प्राइसिंग विल गो अप। लेकिन रजा एट द सेम टाइम जब एक कंपनी 5 रुपीज रेस कर देगी तो बाकी सारी कंपनीज नहीं रेस करेंगी, तो कंज्यूमर वहां को छोड़ के इस साइड पे नहीं आएगा? हो सकता है डिमांड इलास्टिसिटी के उसमें देखें तो हो सकता है, बट अमूमन यू नो देखा गया है कि बिकॉज होमोजेनस प्रोडक्ट है तो फिर वो कहते हैं कि जी ठीक है अगर दूसरा वाला बेहतर मार्जिन कर रहा है तो हम भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड थर्डली ओवरऑल जो सुई नॉर्दर्न के हवाले से जो न्यूज थी और एसएनजीपी प्रॉपर्ली हम देख रहे हैं लाइमलाइट में दिखाई दे रही है, शेयर प्राइस भी अप हो रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट बताइए। जी लास्ट वीक इनकी ऑब्वियसली थोड़ा शेयर प्राइस काफी प्रेशर मिलती, थर्सडे और फ्राइडे दोनों को लोअर लॉक था, आज थोड़ा सा उसका लॉक खुला, आज थोड़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है। उसकी वजह यह है कि पिछले हफ्ते रेगुलेटर ने इनकी एलएनजी की बिजनेस इनकी समझ लें काफी मेजर है, आधी बिजनेस इनकी एलएनजी पर है, उस पर कुछ लॉसेज अलाउ करती है गवर्नमेंट के, जी ठीक है इतना थेफ्ट हो जाता है या इतना लीकेज हो जाता है, उस परसेंटेज को कम कर दिया, उस उनके जो अलाउड है लॉसेज उसके ऊपर उनको नुकसान होता है वो उनके कम कर दिए, तो एलएनजी पे तो इतना नहीं होता उनको, लेकिन उनकी बाकी पाइपलाइन पुरानी है उन पे होता है, तो एलएनजी पे जो गेन हो रहा था वो ऑफसेट कर रहे थे बाकी जो लॉस था, तो रेगुलेटर ने इनके लिए ये जो एक विंडो थी वो कम कर दिया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम इसको कंटेस्ट करेंगे, यू नो ये ठीक नहीं है, तो उस उम्मीद में कि ये ठीक है अब ये ऑलरेडी काफ़ी गिर गई है शेयर प्राइस और शायद अब इनके लिए यू नो ये कंटेस्ट करें तो इनके फेवर में कुछ आ जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको बाइंग और के इलेक्ट्रिक का ये था कि उसकी एक्सक्लूसिविटी को जो है वो चैलेंज हो रहा था, तो वो 2023 तक पास ऑन हो गई है, तो अब क्या दिखाई दे रहा है और कोई कंपनीज आएंगी मीनवाइल इन तमाम स्पैन में? जी कराची इलेक्ट्रिक भी प्रेशर में रहा है इन द लास्ट फ्यू वीक्स, उसकी वजह यही थी कि खबरों में था कि इनकी एक्सक्लूसिविटी को शायद गवर्नमेंट फौरन ही या थोड़े अरसे बाद खत्म कर दे जो कराची और हैदराबाद के बीच में, बट अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद इसको कोर्ट्स ने आगे की बात कर दिया 2023 की, ऑब्वियसली एक थोड़ी सी उसको थोड़ी टेम्पररी रिलीफ मिल गई है। एग्जैक्टली, क्योंकि आज ये तीनों अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट डेली बेसिस पे जो नहीं आते वॉल्यूम लीडर्स में आज वो आए तो ये तीनों न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से आए। रजा ये भी बताइए कि इनके अंदर अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो एक हम कहेंगे कि फुलफिल हो सकती हैं, ओवरऑल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या इधर जाना चाहिए इस साइड पे?
आई थिंक ऑब्वियसली ये तो देखें, ये तो न्यूज़ इनकी आई थी इन स्टॉक्स पे, तो दैट्स वाई दे रिएक्टेड। लेकिन अगर आप, मैं जैसे कह रहा था पहले कि अगर आप पूरे बाज़ार का जायजा लें, सस्ती बाज़ार है मल्टीपल्स पे, इंटरेस्ट रेट्स में मोस्ट लाइकली वक्त लगेगा, दुनिया से अलग हम नहीं चलेंगे। इन्फ्लेशन के नंबर्स जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और हाई बेस एक आ रही है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तो लग रहा है अगले महीने से महंगाई की शराब में भी आपको कमी नज़र आएगी। रुपया आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन्वेस्टर्स को चाहिए, देखें आई नो कोविड सर पर है, आई नो परेशानी है, बट अगर एक हफ्ते का व्यू ना लें, दो तीन दिन का व्यू ना लें, 3 महीने से 6 महीने का व्यू लें, आई थिंक अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स हैं यू नो टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो कोविड की वजह से क्या मार्केट ऐसी वॉलेटाइल रहेगी या कुछ तेजी वेजी आने वाली है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर व्यू के साथ जाएं तो? आई थिंक अगर दुनिया में अगर आप देखें तो वैक्सीन की डेवलपमेंट हुई है, उम्मीद यह है कि इफ़ नॉट दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपकी ये डिस्बर्स हो जाएगी और लगना शुरू इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि दुनिया नॉर्मल पे आ रही है तो देन बहुत सारे सेक्टर्स फिर नॉर्मल पे आते हैं ना, एविएशन सेक्टर नॉर्मल पे आता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऑटोमेटिकली उनका लिंक ऑयल सेक्टर से हो जाता है, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस से हो जाता है। एब्सोल्युटली, तो दुनिया में जब ये वैक्सीन आई तो थोड़ा शिफ्ट हमने देखा बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स की तरफ, एविएशन शेयर्स की तरफ, ऑयल सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो यही शिफ्ट हमें पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। अगर आप पूछ रहे हैं कि अभी आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, वन लाइन आंसर जल्दी से बता दीजिए इन्वेस्टर्स को, एडवाइस क्या करेंगे, कौन से सेक्टर में रहे वो जल्दी से? टेक अ 3 to 6 month व्यू एंड अभी आज के प्राइसेस पे बैंकिंग सेक्टर, और अगर डिप्स पे आपको सीमेंट सेक्टर मिले तो डिप्स पे सीमेंट, और आज के प्राइसेस। थैंक यू सो मच रजा जाफी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस, और वो उन्होंने कहना है या उनका कहना है, हम कह सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर अगर प्रॉपरली डिप पे उसके प्राइस अच्छे मिले तो वहां पे ग्रैब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज bizstock@btv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।